फ्रेंड्स, मैं हूं मेघा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूं तीन बहनों की इंस्पायर स्टोरी। तो क्या है उनकी स्टोरी और कैसी है उनकी जर्नी, वो जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा। कहीं सुना था कि औरतों का काम किचन की शोभा बढ़ाना होता है, लेकिन आज देख भी लिया कि ये पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने का साहस है। आइए चलिए अंदर चलते हैं और उनसे मिलते हैं। साढ़े चार साल हो गए। पहले हम हीरे घिस रहे थे, सब तीनों बहने, और हमने हीरे भी बहुत घिसे, ऐसे लगभग 18-20 साल तो मैंने घिसे। ये सब तो मेरे से छोटी है दोनों बहनें, हम तीन बहनें हैं। और मैं सुबह में चाय नाश्ता का करती हूँ। कोरोना के हिसाब से अभी थोड़ा बहुत ही कम चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, क्या करें। अब काम, हिम्मत नहीं हारनी हमको, काम करना ही है बस। अंदर आ चुके हैं और अब मिलते हैं यहाँ की जो बड़ी सिस्टर है उनसे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता बहन है। अच्छा, तो आपने ये कब से स्टार्ट किया है? हमने ये ऐसे तो साढ़े चार साल हो गए। पहले हम हीरे घिस रहे थे, सब तीनों बहनें। अच्छा। और हमने हीरे भी बहुत घिसे, ऐसे लगभग 18-20 साल तो मैंने घिसे। ये सब तो मेरे से छोटी है दोनों बहनें, हम तीन बहनें हैं। और मैं सुबह में चाय नाश्ता का करती हूँ, भाखरी, दही की तिखारी और मिर्ची, लहसुन की चटनी, ये सब मेरा काम 5:30 से चालू हो जाता है तो 10 बजे तक का होता है। फिर 9 बजे तक तो ये लोग आ जाते हैं और फिर इनका काम चालू होता है। फिर मैं घर पे जाती हूँ। और हम हीरे में जाते थे पहले, हीरे में इतने साल काम किया, फिर जिनके साथ हम काम कर रहे थे उन एक ही कारखाने में हम काम किया हमने 18-20 साल। तो फिर सेठ ने हमको मदद किया, बोले आपको कोई घर का काम करना है, धंधा करना है तो आप कर सकते हो, तो पैसे का रोकान मैं करूँगा ऐसा। फिर उन्होंने पैसा ला के मैं पैसे का रोकान कर रहा हूँ, अगर आपको रसोई का करना है, होटल का करना है तो आप लोग कर सकते हो। फिर इसके लिए हमने होटल का किया। हम तीनों बहनें हैं, पहले हम हीरे भी साथ में ही घिसते थे और अभी होटल में भी हम तीनों साथ ही है। ये मेरे दूसरी बहन की बहन, दूसरे नंबर की बहन है, और ये तीसरे नंबर की बहन है। खाना बना सब ये लोग ही बनाते, लाना सब करना वो ये सब ही करते, ये दोनों ही करते। तीसरी नंबर की बहन है और ये सब्जी बनानी, काटनी, करनी, सब वघार करना ये दोनों बहनें साथ में मिल के करते हैं। और ये भाणी है, सबसे ज़्यादा काम करती है, सब उतारना, चढ़ना, सब पीरसना, ये सब काम मेरी भाणी करती है, मेरी भांजी करती है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि सब औरतों को जो भी कुछ अपने में हुनर हो तो अपने पैर पे खड़े रहने, किसी के पास मांगने से तो ये अच्छा है कि अपने पैर पे खड़े ही रहना चाहिए, जो भी अपने को काम आए वो काम करना चाहिए। गाइस, इनकी जो गुजराती थाली है उसमें क्या क्या वेराइटीज़ ये लोग रखते हैं तो वो देखते हैं। तो ये क्या है? ये छोले की सब्जी है। अच्छा, वाह क्या बात है, देखो स्मेल कितनी अच्छी आ रही है, कलरफुल एकदम लग रही है। अरे वाह क्या बात है। और ये मिक्स सब्जी है। मिक्स सब्जी, वाह। इसमें क्या? इसमें दाल एकदम गुजराती है ना, गुजराती दाल। मेरी गुजराती थाली और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही मज़ेदार मुझे आ रही है। तो चलिए अभी मैं इसे टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी है। तो प्राइस है वो ओनली 70 रुपये है और वो भी अनलिमिटेड। आप आओ तो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करना, अनलिमिटेड है गाइस। घर जैसा खाना है यहाँ पे, आप देख सकते हो दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सलाद है। तो चलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी है। तो आप ये जो रोटी है वो भी देख सकते हो, इसकी जो लेयर, अरे वाह क्या बात है। तो चलिए हम सबसे पहले ये सब्जी ट्राई करते हैं। एकदम प्योर टेस्ट इसका जो है, घर जैसा एकदम। माँ के खाने की, माँ के हाथ के खाने की मुझे याद आ गई।
तो गाइज छोले चना की जो मैंने सब्ज़ी है वो ट्राई की, बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं ट्राई करती हूँ मिक्स सब्ज़ी। बहुत ही बढ़िया, सबसे ज़्यादा मुझे, और ये थोड़ा जो स्पाइसी है उसके वजह से मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बेस्ट क्वालिटी है, ट्राई करो एक बार आके यहाँ पे यार। कितनी गाड़ी है, तो चलिए एकदम घर जैसा टेस्ट है गाइस, बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी जो दाल है एकदम गाढ़ी, मुझे इसलिए ये ज़्यादा अच्छी लगी। और ये चावल भी आप देख सकते हो एकदम बेस्ट क्वालिटी है इसकी। ट्राई कर रही हूँ दाल चावल। अमेजिंग। आज तो मुझे ये जो डिश है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आज मैं इसे पूरा ख़त्म करने वाली हूँ। तो अभी मैं ख़त्म करती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। गाइज़ यहाँ की जो थाली थी 70 रुपये में, मतलब इतनी कम प्राइस में मिलना मुमकिन ही नहीं है। और पूरे अहमदाबाद में अगर आपको खानी हो तो यहाँ पे ज़रूर आना, राजवी डाइनिंग हॉल। और दूसरी बात ये कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, एक बार ऐसी जगह पर आके खाओ गाइज़। बहुत एकदम फ्रेश, एकदम गर्मा गर्म खाना मिलता है यहाँ पर, अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye.